नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें हर बार एक नई शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो है एक्स आरजे और सपा स्पोक पर्सन नवेद सिद्दीकी। आज हम इनके सफर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है आज इनका सफर, सीधे बात करते हैं नवेद सिद्दीकी जी से। सर, आपका हमारे शख्सियत प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। वैसे कोई शख्सियत नहीं हूँ, एक जर्रा हूँ, एक आम इंसान हूँ। शख्सियत कह के आपने बहुत जर्रा नवाजी कर दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, हम लोग हर बार अपने प्रोग्राम में एक शख्सियत से उनके जर्नी पे बात करते हैं, जो आज तक का उनका सफर रहा है जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, मतलब आपका स्कूल और कॉलेज कहाँ से रहा और किस तरीके से रहा। देखिए श्वेता जी, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जमींदार फैमिली को बिलोंग करते हैं जी। और हमारे वालिद साहब जो हैं वो बहुत मशहूर गजल सिंगर हुआ करते थे। अभी पिछले साल वो हमें छोड़कर चले गए जी। तो म्यूजिक मैंने एक तरीके से देखा जाए तो उनसे लिया है, क्योंकि भाई घर में अगर ये चीज़ जो है, फादर मेरे लखनऊ आ गए थे इलाहाबाद से, फिर बॉम्बे में भी रहे और दुनिया भर में उन्होंने टूर्स वगैरह किए, बड़े बड़े म्यूजिक कंपनीज के साथ। उनके एलपी रिकॉर्ड्स उस वक्त आया करते थे, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स जी। तो वो सारी चीज़ें थी, सीखा। म्यूजिक कहते हैं कि वो ब्लड में थी जी। तो ब्लड में होने की वजह से तो संगीत आ गया और लय आ गई, ताल आ गई और काफ़ी कुछ सीखा अपने फादर से। तो उसके बाद लखनऊ में मेरी पैदाइश हुई और स्कूलिंग मैंने की लामातनिया बॉयज से, लामातनिया कॉलेज, और उसके बाद फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी, और बस यही सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद काफी कुछ है, जैसे जैसे आप मुझे पूछती जाएंगी मैं जी, आपको बताता जाऊंगा जी, जी। अच्छा, आपने अभी स्कूलिंग के बारे में बात किया, फिर उसके बाद सर ये था कि आपका जो फर्स्ट जॉब, आपने फर्स्ट जॉब से पहले हम पहले थोड़ा सा कॉलेज के बारे में आपका जानना चाहेंगे कि जॉब की जो आपका कॉलेज था तो वो किस तरीके का था, क्योंकि मतलब बहुत डिसिप्लिन जैसा था या बहुत शैतानी वाला था, किस तरीके से था आपका जो कॉलेज टाइम था। देखिए कॉलेज में मैं अक्सर, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि म्यूजिक में शुरू से रहा हूँ और गाने में, लिखने में, संगीत में इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था जी। तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो स्कूल में मैं ज़्यादातर कोशिश करता था कि फ्रंट आगे ना रहूँ, आगे की रो पे, नहीं तो टीचर जो थे सबसे पहले सवाल मुझी से पूछ लेते थे जी। इसलिए कोशिश ये रहती थी कि पीछे बैठूँ, बैक बेंचर जिसे कहा जाता जी। तो पीछे रहता था तो ये रहता था कि अपना थोड़ा सा गुरुजी की भी बात सुन रहे हैं, टीचर की बात सुन रहे हैं और अपना भी दोस्तों के साथ वक्त मौका मिला तो उनसे भी बात कर ली, थोड़ा म्यूजिक बजा दिया जी। तो काफी सीखने को भी काफी कुछ मिला और सजाएं भी बहुत मिली जी। अक्सर जो है वो क्लास के बाहर काफी काफी देर खड़ा किया टीचरों ने, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने टीचर्स की वजह से हूँ। काफी कुछ उनसे सीखा, बात करना उनसे सीखा, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें जो आज मैं, आज जिस फील्ड में मैं हूँ या जिस फील्ड से होता हुआ आया हूँ, ये काफी कुछ मैंने अपने टीचर्स से सीखा है। तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का भी कि अपने स्कूल लाइफ में भी काफी कुछ सीखा है। और शैतानियां तो जाहिर है कि जो आदमी स्कूल में होता है तो वो स्कूल में नहीं करेगा तो कहाँ करेगा जी। अच्छा, तो मतलब आपकी क्या, जैसे आपने भी बोला कि आप लास्ट बेंचर, बैक बेंचर ज्यादा रहे हैं, तो दैट मींस कि ये है कि आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में ज्यादा आप इंटरेस्टेड रहते थे, एंड देन जो एकेडमिक था उसमें थोड़ा सा आप, आपको मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट कम था। नहीं नहीं, एकेडमिक्स में ऐसा नहीं था कि हर क्लास में दो साल रुका हूँ लेकिन फिर भी निकल जाता था और पढ़ाई तो करता ही था, क्योंकि घर में हमारे लिए जो है वो ट्यूटर भी लगे हुए थे और ट्यूशन पढ़ाने हमारे टीचर आया करते थे। और हमें याद है उस जमाने में जिस वक्त हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे और स्कूल में पढ़ते थे तो 100 रुपीज 100 रुपए दिया जाता था हमारे ट्यूशन मास्टर को जी। और 100 रुपए उस वक्त दिया जाता था जी। ये बात मुझे आज इसलिए भी याद है जी, क्योंकि हमारे फादर द्वारा ये रोज हमको बताई जाती थी कि 100 रुपए दिया जा रहा है आपकी पढ़ाई के लिए जी, जी। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था जी। तो काफी कुछ अपना स्कूल में भी पढ़ाई वगैरह
करते थे, लेकिन हाँ ये है कि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड रहा, तो गाना गाना है ये सारी चीजें, तो स्कूल में भी मैं डिबेट्स में, म्यूजिक में, इस तरीके के कोई भी फंक्शंस होते थे तो मुझे याद किया जाता था, मुझे बुलाया जाता था कि भाई अगर ठीक है, अगर गाना है या कुछ इस तरीके की कोई चीज है तो नवेद सिद्दीकी को बुलाओ तो ये करें, तो टीचर्स हमारा नाम लेते थे, मुझे रिकमेंड करते थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था कि भाई हमारे टीचर्स जो है कम से कम हमें अगर सजा भी दे रहे हैं वो उनका हक है और तो बुला भी रहे हैं, और फिर मैं जाता था, प्राइजेस लेकर आता था, स्कूल का नाम रोशन करता था, कॉलेज का नाम रोशन किया, इस तरह से मैं जिंदगी का सफर जो है वो चलता रहा, चल रहा है अभी, ऊपर वाले का करम है। तो सर आप उस टाइम पे कौन सा पहला एक प्राइज रहा, कौन सा अवार्ड रहा जो आपको मिला था? देखिए वो स्कूल के जो अवार्ड होते थे, स्कूल की जो जो शील्ड्स वगैरह मिला करती थी वो वही थी, तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई ग्रैमी और ऑस्कर या फिल्म फेयर इस तरीके की चीज नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये है कि स्कूल में जो मिलता था तो वो बहुत खुश होता था और बहुत प्राउड फील करता था, लेकर के आता था घर पे और दिखाता था अपने पेरेंट्स को, खासतौर से अपने फादर को, अपनी मम्मी को दिखाता था कि देखिए आज हमने ये जीता है, बहुत अच्छा लगता था। जितने भी रिलेटिव्स होते थे, जितने भी आते थे, रोज उसको निकाल के ले आता था अलमारी में से, दिखाता था सबको कि देखिए आज मैं ये मुझे मिला है, ताकि उनको ये लगे कि हाँ ये मतलब पढ़ाई लिखाई में अगर थोड़ा सा भी कमजोर है तो इन सब चीज में ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं से चीज जो है वो चलनी चाहिए, नाम होना चाहिए, चाहे जैसे हो आप जैसे भी नाम करें, अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छे राह पर चलिए और नाम रोशन कीजिए और आगे चलकर भी करिए, अपने प्रदेश का कीजिए, अपने शहर का कीजिए, अपने मुल्क का कीजिए, अपने देश का कीजिए, अपने साथियों का कीजिए, अपने दोस्तों का कीजिए, तो नाम करिए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है, तो ये कोशिश है, आज भी वही उसी ट्रैक पर चल रहा हूँ। अच्छा आपका जो कॉलेज था उसके बाद में आपने क्या, आपका फर्स्ट जॉब क्या रहा, कि किस तरीके की जॉब, या आप डायरेक्टली आज प्रोफाइल में गए थे? नहीं देखिए ऐसा है कि जब मैं कॉलेज से निकला तो कॉलेज से निकलने के बाद हमारे डैडी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर तो अप्रूव्ड आर्टिस्ट हुआ करते थे, मैं भी उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप भी दूरदर्शन में या अगर आपको टीवी पे गाने का शौक है या आप गाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया रेडियो में अप्रूव होना पड़ेगा, अप्रूव आर्टिस्ट होना पड़ेगा। तो अब हमने कहा कि भाई ठीक है, तो उसके लिए फिर वो वहाँ पे ऑडिशंस दिए, ऑडिशन दिया तो ऑडिशन में मैं युवाणी एक प्रोग्राम होता है आकाशवाणी में, तो उसमें सेलेक्ट हुआ, उसमें सेलेक्ट हुआ तो फिर म्यूजिकल प्रोग्राम्स मिलने लगे, लाइट म्यूजिक के, संगीत के, गीत गजल वगैरह गाता था, भजन भी गाता था, तो मुझे मिलता था तो मैं गाता, और फिर धीरे धीरे उसके बाद मेन में जो मेन सुगम संगीत का जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए मेन आर्टिस्ट में यूथ से निकलकर तो उसमें भी मैं आया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मैं दूरदर्शन में भी गाने लगा, मैं ऑल इंडिया रेडियो में गाने लगा, यूपी के कल्चरल अफेयर्स के जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, चाहे वो गवर्नमेंट के होते थे या जहाँ भी महोत्सव होते हैं जैसे ताज महोत्सव, आगरा महोत्सव, झांसी महोत्सव, जितने ही महोत्सव वगैरह, तो वहाँ लखनऊ महोत्सव हमारा, तो सब जगह मैंने परफॉर्म किया, सब जगह मुझे चांस मिलता था और अपने वालिद साहब के साथ साथ चलता था, उनसे सीखता था और मैं उस परफॉर्म भी करता था, तो ये सारी चीजें भी मैं करता रहा। उसके बाद सिलसिला आया कि मैं वो हमारे लखनऊ में FM चैनल लॉन्च हुआ, कहते हैं कि रेडियो एक बार ये हुआ था कि लोग कम टीवी की वजह से रेडियो का ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा था, लेकिन जब से FM आया, FM के आने के बाद से लोगों में इतना क्रेज हो गया कि उस वक्त आपको याद होगा श्वेता जी, कि जगह जगह वो चाइनीज रेडियो छोटे छोटे जो आते थे वो मिलने लगे थे, उसमें FM होता था, लोग कहते थे भाई मुझे FM दो, फिर मोबाइल्स आने लगे, मोबाइल सेट में भी आदमी कहता था कि चलिए FM इसमें है मैं FM सुनूंगा, तो FM का क्रेज हो गया, कार से CD प्लेयर्स गायब हो गए, लोग सिर्फ FM सुनते थे, तो FM सुनते थे। 2000 में मुझे याद है लखनऊ में FM चैनल लॉन्च हुआ और हमने उसमें ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन जब हमने दिया उसमें तो पहले बैच में तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि बहुत लोग उसमें आए थे, शायद मेरी आवाज उनको इस लायक नहीं लगी, तो मैंने ऑडिशन दिया लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, काफी उदास हुआ, निराश हुआ, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा ऑडिशन के लिए हमसे लोगों ने कहा कि आप दोबारा ऑडिशन दीजिए, तो दोबारा ऑडिशन दिया तो सेलेक्ट हो गया। जी। ये एक जब लॉन्चिंग के मेरे ख्याल से एक दो महीने बाद की बात है, जी।
तो उसी वक्त से फिर मुझे ये चांस मिल गया, और उस वक्त जब एफएम का बहुत क्रेज हुआ करता था जी, उस वक्त हम एफएम में आ गए और लेट नाइट शोज होस्ट करते थे, मॉर्निंग के शोज होस्ट करते थे जी, और लोग सुनते थे, लोगों से जुड़ना, फिर फोन इन शोज जो होते हैं फोन पे उनसे बात करना जी, ये सारी चीज तो लोगों का एक अपनापन, क्योंकि लोग उस वक्त एफएम के दीवाने थे जी, उनको ये लगता था कि भाई ठीक है हम बात करेंगे, तो एक आदमी को वो भी होता है कि भाई मैं फोन मिलाऊंगा भी तो मेरी आवाज जो है वो सब सुन लेंगे, स्पीकर पे भी सुनेंगे, हमारे घर वाले भी सुनेंगे, रिलेटिव सुनेंगे, सब सुनेंगे, तो उसको एक बड़ा शौक होता था, तो वो बात करता था जी। और खत, इतने बेशुमार खत आते थे श्वेता जी, इतने खत आते थे, इतने खत आते थे कि मैं आज वो बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि आज मैं रेडियो पे तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे, मैं आज भी याद करता हूँ कि जब हमको खत, हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे वो दिया करते थे कि भाई नवेद तुम्हारे खत आए हैं, तो दूर दूर से मैं देखता हूँ, उसमें आशीर्वाद लोगों के, बुजुर्गों के, सबके, कि बहुत अच्छा बोलते हो आप, बहुत अच्छी कहानियां भी सुनाते हो और लेजेंड्स के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ के, बहुत खुशी महसूस होती है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि इतने लोग, पूरा प्रदेश हमारे साथ है, क्योंकि रेंज देखिए काफी होती है जी, और जो हमारे रेडियो चैनल की रेंज होती थी वो काफी होती थी, तो दूर दूर तक लोग सुनते थे जी, एक पूरा सर्किल है जहाँ पे आप देखिए लखनऊ से लेके सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, यहाँ तक के आपके इलाहाबाद के आसपास भी हम लोग के रायबरेली, हर जगह तक ये सर्किल में पूरा लोग सुनते थे और लोग नाम से पहचानने लगे जी, जी। मैं कहीं जाता था, अगर कोई पूछता था भाई साहब आपका नाम क्या है, तो मैं कहता था कि नवेद सिद्दीकी नाम है, तो कहता था नवेद सिद्दीकी साहब वही तो नहीं जो उनको हम लोग रात में सुनते हैं जी, ये कहता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि सावरे वाह, लगता था कि भाई मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ जी, बहुत अच्छा लगता था जी, तो लोगों का प्यार मोहब्बत बेशुमार मिला, जिंदगी चलती रही, आज आपके साथ बैठे जी। अच्छा सर, ये आपने अभी जैसे हमें ये जो भी बताया कि नाइट का आपका शो था जो आप आकाशवाणी में आपने शुरू किया था, लेकिन बतौर एक आप एक आरजे रेडियो जॉकी प्रोफाइल पे आप रहे, वो आपने कब ज्वाइन किया, कब से आपकी उसकी शुरुआत हुई? देखिए मैंने आपको बताया कि मैं आरजे था, 2000 में मैं आरजे था जी, मैं सेलेक्ट हो गया था उसमें जी, एक पैनल में, तो वहाँ पे ये होता है कि एक पैनल होता है जी, जो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होता है जी, उसमें एक क्राइटेरिया होता है, ये होता है कि एक पैनल बना लेते हैं, उनको बारी बारी उनको प्रोग्राम के हिसाब से उनको बुलाया जाता है जी, मुझे भी बुलाया जाने लगा, तो मैं सन 2000 से मैं आ गया उसमें, उसके बाद मैं उस चैनल पे रहा और एफएम चैनल में जुड़ा रहा जी, काफी वक्त दिया, यहाँ तक मुझे लगता है कि 13 से 14 साल रेडियो इंडस्ट्री में हमने बिताए हैं जी, 2000 से लेके जी, और सफर बहुत अच्छा सफर था जी, बहुत अच्छा सफर था, और उस सफर से काफी कुछ लोगों के करीब जाने का मौका मिला जी, लोगों के करीब जाने को, लोगों के को समझने में, और लोगों ने हमको समझा, वो एक रिश्ता बना, एक बॉन्डिंग बनी, एक प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता होता है जी, वो बहुत करीब लेकर के आया। फिर उसके बाद प्राइवेट एफएम स्टेशन, इंडिया का एक बहुत बड़ा प्राइवेट एफएम स्टेशन है, तो उसमें मैं बतौर प्रोग्रामिंग हेड, मुझे बुलाया गया कि आप हमारे चैनल को हेड कीजिए जी, तो मुझे मौका मिला, मैंने उस चैनल को हेड किया, आज वो इंडिया का नंबर वन चैनल है जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि चैनल लॉन्च हुआ लखनऊ में, कानपुर में, उस वक्त मैं उसका हेड था, और वो भी चैनल अच्छा चल रहा, तो उससे भी जुड़ा रहा, काफ़ी एड्स वगैरह उसमें मेरी आवाज़ में भी लोगों को सुनने को मिले, और बीच बीच में मौका मिलता था तो शो भी कर लेता था कभी कभी जी। अच्छा सर, ये बताइए आपको इसके लिए जैसे एनकरेज किसने किया, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी पहले से ही बहुत मॉडिफाई होते हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया एक ऐसी आ चुकी है जिसकी वजह से उनको करियर के बारे में पहले से ही एडवांस में मालूम होता है, पहले से वो प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन आपका जो टाइम था, हम लोग का जो टाइम था, जो उस टाइम की बात अगर हम करते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे अपना खुद का नारा तक नहीं बांध पाते थे, और अगर वो एक करियर बेस की बात करते हैं, अपने प्रोग्रामिंग या करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बात करते, तो कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो ये था कि उस टाइम पे आपको कौन गाइड करता था, किसकी वजह से आपको एनकरेजमेंट मिलता था कि आपको किस ट्रैक पे जाना है, तो कौन आपको उसके लिए गाइड करता था?
देखिए, सबसे पहले तो आपने जो अभी कहा कि आपका जो टाइम था जी, ये कह करके आपने उदास इसलिए कि मुझे तो लग रहा है अभी भी मेरा टाइम जी 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 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं नहीं बिल्कुल सर, आपका टाइम है बस जी बिल्कुल जी, आपका टाइम है, पर वही था कि सर आज की जो दौर है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। नहीं, नहीं, कि जैसे अब चार, आप कोई भी शो देखते हैं, 4 साल का 5 साल का बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करता है ऑन स्टेज, डांस करेगा, सिंगिंग करेगा, लेकिन तब हमें ये था कि हमें बिल्कुल हाथ पकड़ के चलना पड़ता था, कोई हमें चलाए तब हम चल पाते थे। देखिए, सीखा मैंने आपको बताया कि मैंने इस लाइन में जो कुछ भी सीखा है कि रेडियो एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जी, कम्युनिकेशन बात कैसे अपनी की जाए, तो हमने अपने फादर से यही सीखा है। उन्होंने हमेशा वो एक शेर सुनाया करते थे कि बात चाहे बेसलीका हो मगर जी बात करने का सलीका चाहिए जी। और दूसरा शेर वो कहते थे कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है जी, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है जी। तो ये मैंने अपने फादर से सीखा, अपने वालिद साहब से जी। क्या बात है, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहता था जी। और जाहिर है कि बस यही सोच करके मैं आगे चलता रहा जी। और सबसे ज्यादा सपोर्ट इसमें और भी रहा किसी मुझे एफएम भेजने में जी, कि भाई ठीक है एफएम के लिए आप ट्राई करें जी। तो उसमें हमारी बेगम साहिबा का बहुत बड़ा रोल रहा जी। उन्होंने बहुत कि मैं सोच रहा था कि क्योंकि जब पहली बार जब मैंने आपको बताया कि मैं ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाया जी, तो मैं बहुत उदास हो गया जी। तब हमारी वाइफ ने हमको ये कहा, एक बहुत अच्छी बात बताई कि रेडियो में आप रिजेक्ट हो गए, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं जी, हिंदुस्तान के महानायक जो है जी, उनको भी एक बार रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया जी जी। तो जब ये उन्होंने हमको बताया तो मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सही कह रही है जी, तो चलो फिर से ट्राई करते हैं। तो फिर गए, तो फिर ये हौसला बंधाने में काफी लोगों का रोल रहा, खास तौर से जिनका जिनका मैंने आपको बताया जी। तो ये सिलसिला रहा जी, म्यूजिक में रहा, गाने में रहा, रेडियो थिएटर में रहा, जो रेडियो के जो प्लेज होते हैं, ड्रामास जो होते हैं उनको, हमारे जो कुछ शोज थे तो हमने जिनके साथ किए मिल करके, तो उसको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं जी, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं जी। और ये सारी चीजें, तो मुझे बड़ा फक्र है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़कर मैंने काम सीखा जी। अच्छा सर, आपने जब अपनी बेगम का जिक्र कर ही दिया है कि बेगम साहिबा ने आपको अप्रोच किया, तो सर हम थोड़ा सा वो भी जानना चाहेंगे कि आपका शादी का जो मोमेंट था, मैरिज किस तरीके से हुई आपकी, क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? देखिए अभी ये मसला जो है, हमारी जाहिर है कि मुलाकात उनसे हुई और मुलाकात होकर के जी लगा कि भाई हम इनके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जी, तो हो गई शादी, हो गई। और कैसे हुई क्योंकि ये बताना ठीक नहीं, क्योंकि आजकल लोग जो हैं, खास तौर से सियासी लोग जो हैं जी, वो दूसरा रंग दे देते हैं जी, कि अगर नवेद सिद्दीकी की वाइफ का नाम अमिता है जी, तो रंग कोई दूसरा दे देंगे जी, तो वो रंग नहीं चाहते हम लोग। प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं जी, हंसी खुशी जिंदगी कट रही है जी, खूबसूरत देश है हमारा, और क्या चाहिए। सर ये तो बताना पड़ेगा कि आपकी लव मैरिज थी अरेंज। जाहिर है कि जैसा मैंने नाम बताया कि उनका नाम क्या था, मेरा नाम, तो जाहिर है लवी होगी जी जी जी। तो क्या एफर्ट रहे, क्योंकि लव मैरिज इतनी आसानी से नहीं होती है, हमेशा कोई ना कोई एक पक्ष नाराज रहता है और ऐसा कुछ हमेशा हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो उसमें आपकी क्या एफर्ट्स रहे थे कि आपको मनाना पड़ा था या उनको मनाना पड़ा था? नहीं देखिए, ऐसा है कि गाड़ी के दोनों पहियों में हवा अगर बराबर हो जी, तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है जी, और किसी भी एक पहिए में हवा कम हो या ना हो जी, तो सही बैलेंस जो है वो बनता नहीं जी। तो जिंदगी का सही बैलेंस बनने के लिए जी, ये खाली मेरी बात नहीं है, मैं एक आम बात भी कर रहा हूँ जी, जिंदगी में बैलेंस बनाने के लिए पति पत्नी का एक दूसरे के ऊपर भरोसा जी, एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे का साथ सुख में भी और दुख में भी जी, ये बहुत जरूरी है। अगर ये कायम रहेगा जी, तो वो रिश्ता जो है इंशाल्लाह जी लंबा चलेगा जी जी। तो सर आप जैसे आपकी शादी हो चुकी है और आपकी बेगम साहिबा, तो जैसे आप एक गजल गायक हैं, आप हमेशा गजल गायक हैं, तो अगर कभी आपकी बेगम रूठ जाती थी तो कैसे बनाते थे, क्योंकि आप एक गजल गायक भी हैं, एक रेडियो जॉकी भी हैं, तो वो अंदाज हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए ये राज की बात है जी, तो ये राज की बात जो है वो
राज को राज ही रहने दीजिए जी, वो चैनल के ऊपर ला करके और वो भी कैमरे के सामने जी, तो वो ठीक नहीं है जी। ये हम कभी आपको ऑफ द स्क्रीन या ऑफ द कैमरा जी 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 उनका फेवरेट सॉन्ग तो सर बता सकते हैं आप। नहीं नहीं, बहुत उनके बहुत अच्छे, मुकेश साहब के गाने उनको बहुत पसंद है जी, क्योंकि मैं जाहिर ओल्ड मेलोडीज करता था जी ज्यादातर जी, ओल्ड मेलोडीज में उनको मुकेश साहब बहुत पसंद थे जी, तो उनके नगमे सुनते तो जब कभी रूठ जाती थी, नाराज हो जाती थी, तो मैं जाकर वही गाना बजा देता था जो मुकेश साहब का उनको पसंद। तो सर जब वो बजा देता था जी, तो उसके बाद फिर। अच्छा सर, आप जैसे गजल गायक रहे तो आपके क्या कुछ शोज भी रहे हैं, कि आपने कुछ शोज भी बड़े लेवल पे बड़े स्तर पे आपने किए हों? देखिए, मैं आपको बताया कि मैं ये कल्चरल अफेयर्स से मैं जुड़ा रहा, मैं प्रोग्राम्स करता था जी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम किए और अपने, क्योंकि मेरे फादर प्रोग्राम्स करते थे गजल के, तो मैं उनके साथ भी जाता था, उन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ स्टेज पे सबसे पहले जी, तो उनके साथ ही मैंने सीखा और उनके साथ जब वो प्रोग्राम करते थे तो मैं बीच में मैं भी तीन चार गजलें गा लेता था जी, तो ये चीज थी, ये चलती रही। उसके बाद कुछ सीरियल्स में म्यूजिक में मैंने गाना गाया और उसके बाद एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं जनाब, हमारे लखनऊ की शख्सियत है वो, मुजफ्फर अली साहब जी, जिनका, मुजफ्फर अली साहब का जब नाम आता है तो जाहिर है उमराव जान और रेखा जी ये सब सामने आ जाते हैं, कि उमराव जान जैसी फिल्म जी अगर इंडिया में किसी ने बनाई तो मुजफ्फर साहब ने बनाई जी। मुजफ्फर साहब का एक सीरियल था हुस्ने जाना जी, हुस्ने जाना में मुजफ्फर साहब ने अपने बेटे को लॉन्च किया था एज ए मेन लीड जी, तो उनकी आवाज के लिए उन्होंने कहा कि भाई आपकी आवाज, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी आवाज के ऊपर दो गजलें गाएं मीर साहब की, मीर तती मीर साहब जी, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। वो बहुत बड़ा एल्बम था, म्यूजिक टुडे ने उसको रिलीज किया था जी, बहुत बड़ी कंपनी है, और हम लोगों ने बॉम्बे में जाकर के मुजफ्फर साहब ने, हमने, हमारे वालिद साहब ने, हम लोग गए थे बॉम्बे, वहां मैंने रिकॉर्ड किया था उसको सेंट जेवियर्स में जाकर के, और फिर वो मार्केट में आ गया, आज भी वो अवेलेबल है जी, म्यूजिक टुडे पे हुस्ने जाना के नाम से वो जी जी। अच्छा सर, फिर आप ये कितने टाइम पीरियड तक रेडियो प्रोफाइल में रहे? देखिए, रेडियो में तो मैं रहा 2011 तक जी। 2011 सितंबर में मेरी मुलाकात हुई हमारे एक बहुत अजीज हैं, मित्र हमारे साथी पढ़े हुए हैं जी, उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई जनाब अखिलेश यादव जी से जी, और अखिलेश जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो अखिलेश जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं जी, और आर्टिस्टों को बहुत सम्मान देते हैं जी, तो अखिलेश जी से जब मुलाकात हुई तो वो कहते हैं कि ट्यूनिंग मैच हो गई जी, और मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद अखिलेश जी ने कहा कि भाई ठीक है, हमारी रथ यात्रा है निकल रही है, तो हम उनके साथ रथ यात्रा में, उन्होंने मुझे मौका दिया जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं रथ यात्रा में उनके साथ निकला, सन 2011 की बात बता रहा हूँ जी, तो मुझे रेडियो से छुट्टी लेनी पड़ी जी, मैंने कहा कि अब तो शोज नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि भाई जाहिर है अगर हम रथ पे चलेंगे जी, और लगातार अब 6 महीना तो रथ चलना ही चलना है, क्रांति रथ यात्रा निकल रही थी जी, मैंने कहा कि अब मुझे जब रथ पे चलना है जी, तो अब मैं रेडियो तो जा नहीं सकता, इसलिए मैंने छोड़ दिया जी। अखिलेश जी ने मुझसे एक बात कही थी रथ के अंदर बैठकर, उन्होंने कहा था कि ये आपको इतने लोग जानते हैं, इतने लोग पहचानते हैं, आवाज से कमाल किया है आपने जी, और आप ये छोड़ देंगे इसके लिए? तो मैंने कहा नहीं, आपका साथ है और आपका साथ मिल रहा है और आपके अब साथ चल रहे हैं, तो फिर अब आपके साथ ही चले जी, और उनके साथ ही चले जी, और फिर उसके बाद लकीली हमारी सरकार बन गई 2012 में जी, और जब 2012 में सरकार बन गई तो अखिलेश यादव जी हुए और हमारे आदरणीय नेता जी मुलायम सिंह यादव जी, ये लोग जो कह देते हैं वो करते हैं जी, इनके बारे में मशहूर है जी, तो अखिलेश जी ने हमसे वादा किया था कि भाई ठीक है, आप हमारे लिए यहाँ से अपना वो मेन स्ट्रीम रेडियो इंडस्ट्री छोड़ करके आए हैं, तो हमसे आपको कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही आपके साथ जी, तो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, उन्होंने मुझे संगीत नाटक अकेडमी, क्योंकि मैं संगीत के क्षेत्र का हूँ जी, तो उन्होंने मुझे यही क्षेत्र में अपने साथ रखा और अपने साथ मुझे बनाया जी, और उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए, मुझे स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस भी मिल गया जी, ठाट से जी, अभी एट प्रेजेंट मैं आज भी उनके साथ हूँ जी, और लगातार उनके साथ हूँ जी, और आज भी मैं,
मुझे उन्होंने मौका दिया है कि मैं टीवी चैनल्स में डिबेट्स में आपके भी चैनल पर अक्सर बोलता रहता हूँ, तो पार्टी का स्टैंड रखते हैं, तो आज भी उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। पूरा यकीन है, मेहनत कर रहे हैं, तो अब जनसेवा भी हो रही है। देखिए, लोगों से तो हम जुड़े ही हुए थे शुरू से, क्योंकि मेरी फील्ड ही वही थी। मुझे लोगों के साथ जुड़ना, लोगों की बात सुनना बहुत अच्छा लगता था, और लोगों को मेरी बात सुनना बहुत अच्छा लगता था रेडियो पे, क्योंकि जब वो खत भेजते थे तो मैं समझ जाता था ये क्या चाहते हैं। तो वो रिश्ता आज भी कायम है, आज भी कायम है। हमें पूरा यकीन है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो 2012 में हम लोगों ने मिल के किया था, अब वो 2022 वो इंशाल्लाह जरूर रिपीट होगा। अच्छा, आप जैसे बोल रहे हैं कि 2011 में अखिलेश जी ने आपको चांस दिया था कि आप उनके साथ रथ यात्रा आपने की थी, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं एक ये भी था कि आपने कुछ टाइम पीरियड शायद आप कांग्रेस में भी रहे थे, कांग्रेस में भी आपकी कुछ एक्टिविटीज थी। वो बहुत पुरानी बात है, कांग्रेस में जब हम लोग यूथ में थे तो उस जमाने में मैं कांग्रेस में रहा। जी, लोग की एक विंग होती थी, स्टूडेंट्स वगैरह साथ में रहते थे, तो स्कूल कॉलेज का मामला था, तो उसमें रहे, तो उतना एक्टिव इतना नहीं थे। एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं तभी आया हूँ सन 2011 से, जब मैं अखिलेश यादव जी के साथ आया समाज में। अच्छा, आपने अचानक से, मतलब जैसे राजनीति और आरजे और राजनीति दोनों एक डिफरेंट पैटर्न है, एकदम से आप उसमें आए, तो उसका क्या रीजन था कि आपको आरजे में वो चीज इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा था जिस वजह से आप राजनीति में आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है, आरजे में इंटरेस्ट मुझे बोलने का बहुत शौक है जी, और वही काम मुझे अखिलेश जी ने दिया जी। मैंने आपको बताया एसएनए का मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी, फिर उसके बाद ललित कला अकेडमी की जिम्मेदारी दी, काफी कुछ, फिर मुझे बोलने का आज भी वही काम दिया है जी, जी। मैं आज भी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ जी, तो बोलना ही मेरा काम है जी। तो मैं माइक्रोफोन से दूर नहीं गया, माइक्रोफोन से जो एक लगाव था, एक रिश्ता था, एक मोहब्बत थी, वो आज भी कायम है जी। आज भी हम सारी चीजें जो है वो माइक्रोफोन के जरिए ही हमारी बात हो रही, जनता तक पहुँच रही जी। तो ये चीज थी, ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं रहा या इसमें हम आ गए या इसमें हम क्यों आए। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी जो है एक विजनरी सोच के आदमी, उनकी विजन जो है कि डेवलपमेंट जो है हमारे प्रदेश में होना चाहिए, सबको समझना है, जिस तरह से उन्होंने लैपटॉप बांटे और जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट यूपी का किया है, तो ये एक नौजवान उनके पीछे चल रहा था जी। क्योंकि वो नौजवान चाहता था कि कुछ चेंज हो, कुछ बदलाव हो जी। तो वो चल रहा था, तो वो अच्छा लगा, मुझे भी लगा, क्योंकि मैं भी रेडियो में जब था तब भी हम सुनते थे कि लोग हमसे कहते थे कि आज हमारी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉर्निंग शो जब हम लोग करते थे तो उसमें पब्लिक हमको बताती थी कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग बुलाया करते थे वहाँ पे जो भी पर्सन कंसर्न होता था, जो ऑफिसर कंसर्न होता था, उसको हम बुलाते थे अपने स्टूडियो, और मैं उनसे बात करता था, पब्लिक से बात करता था, जनता से बात करता था, और उनसे पूछता था अधिकारी से कि आप कितने दिन में इनकी समस्या सॉल्व कर देंगे, फिर वो बताते थे कि हम इतने दिन में सॉल्व कर देंगे, तो कर देते थे तो वेरी गुड, और अगर नहीं करते थे तो हम उनको दोबारा बुलाया करते। तो लोगों को ये लगा कि हाँ ठीक है, ये हमारी बात सुनते हैं, तो हम यही लगा कि भाई ठीक है, लोग जब इतनी एक इतनी इतना ख्याल करते हैं, इतना आपसे उम्मीद रखते हैं जी, तो उनके लिए कुछ कीजिए जी। और करने के लिए प्लेटफॉर्म, देखिए मैं रेडियो पे बैठ के खाली बोलूं, करने के लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा जी, करने के लिए आपको किसी दल के साथ होना पड़ेगा जी। और तो मैं इनके साथ गया, और अखिलेश जी की ब्लेसिंग्स मिली हमें जी, आज भी हमारे साथ है जी। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ जी। तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे ये है कि आरजे एंड राजनीति दोनों जो सेगमेंट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आरजे प्रोफाइल में भी आप एक माइक्रोफोन के जरिए आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे थे, और एंड अब राजनीति में आके भी अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उस पे जो भी जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो आपसे डिस्कस की जाती है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो कोई भी चीज चेंज नहीं है। अच्छा, इसमें क्या आपका रहा, क्या डिफरेंस रहा, क्यों, क्या फर्क आपको इसमें लगा? देखिए, फर्क इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है जी। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि वो भी मीडियम कम्युनिकेशन का था जी, और इसमें भी आदमी अपनी बात कम्युनिकेट करता है जी। आप जनता से अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं जी, जनता आपसे अपनी बात बताती है जी, तो माध्यम वही है जी, कम्युनिकेशन का जी, तो वो चीज है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस लाइन से इसमें कैसे आ गए, फिल्म लाइन से इसमें कैसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा जी, बड़े बड़े दिग्गज हिंदी फिल्म स्टार्स, कितने लोग आए,
कोई राज्यसभा में गया, कोई लोकसभा में गया, कोई मिनिस्टर बने, कई सिंगर, मशहूर सिंगर, वो भी अभी हाल ही में मिनिस्टर हुआ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जनता के लिए काम करें, आप जनता के लिए, जनता के साथ दें, उनके चले, और जनता आपको एज एन आर्टिस्ट सम्मान देती है, बहुत अच्छी बात है जी। तो आपके पास तो दो चीजें हो गई ना जी। आप पॉलिटिशियन तो हो गए क्योंकि लोगों की बात आप सुन रहे हैं, लोगों की बात आप सॉल्व कर रहे हैं जी। लोगों को जो चीज चाहिए वो आप उन्हें मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए जमीन पर उतर रहे हैं, उसके लिए उनकी आवाज को उठा रहे हैं जी। और लोग आपसे इसलिए भी मोहब्बत करते थे कि भाई ठीक है, वो एक अलग लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, वो आर्ट की लाइन हो गई, वो क्रिएटिव लाइन हो गई जी। तो दोनों जब मिक्स हो जाती हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका जी। अच्छा सर, अगर हम जब आप आरजे थे तो उस टाइम पे अगर हम आपके पहले शो की बात करें तो पहला शो, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन एयर जाना, एक अलग सा क्रेज और अलग सा वो इतना सारा सिस्टम दिखना और कैसे हम मैनेज करेंगे, तो ये सारी चीजें भी आपने फेस की होंगी, ऐसा हुआ होगा सर? बहुत, 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 बहुत जी, बहुत। मुझे याद है कि जब हमें पता लगा कि अगले दिन हमारा शो है जी, तो रात भर तो एक तो नींद नहीं आई जी, पता नहीं कि कैसे शो करेंगे जी। और जब बोल रहा था उस वक्त तो एक साहब बगल में बैठे थे जी, वो सपोर्ट करने के लिए कि कहीं आप मिस्टेक कोई ना कर दें, इसलिए वो बैठे थे जी जी, क्योंकि रेडियो पे देखिए दिखता तो है नहीं जी, वहां तो सिर्फ आवाज जा रही जी, तो लोग बगल में बैठे रहते सपोर्ट करने के लिए जी। अब मैं बुरी तरह से कांप रहा था, मुझे याद है जी, मैं कांप रहा था, मैं कैसे बोलूं, जैसे ही उन्होंने फेडर ऑन किया कि अब आपको बोलना है जी, और फेडर ऊपर गया है जी, समझ लीजिए कि मैं भूल गया मुझे क्या बोलना है जी। और मैं उतनी देर में फेडर नीचे करके उन्होंने म्यूजिक लगाई जी, म्यूजिक लगाने के बाद फिर उसको क्रॉस फेड किया जी, कहा कि पानी वानी पी लीजिए जी, फिर मैं पानी वानी पी के फिर थोड़ा सा हिम्मत उन्होंने बंधाई जी, हिम्मत बंधाने के बाद फिर क्रॉस फेड किया, म्यूजिक नीचे गई, फेडर ऊपर गया, मेरी आवाज ऊपर, फिर मैंने बोलना शुरू किया। तो वक्त लगा जी, वक्त तो देखिए लगता है किसी चीज में, क्यों आपको मालूम है कि करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं एफएम का। मैंने आपको बताया उस वक्त क्रेज ये था कि हर आदमी एफएम लगाए तो उसको मालूम था कि सुबह 6 बजे से एफएम शुरू हो जाता है जी, और लिमिटेड टाइम था जी, सुबह से चलता था और बस रात में खत्म हो जाता था जी, ऐसा नहीं था कि 24 आवर्स वाला नहीं था जी। तो लोगों को ये था, तो बहुत घबराहट होती है पहली बार में कि जब आपको मालूम हो कि इतने लोग सुन रहे हैं जी। बंद कमरे के अंदर बोलना देखिए अलग बात है जी, बंद कमरे के अंदर हम बात करें, कुछ बात कर रहे हैं ठीक है, एक दो लोगों से बात कीजिए, आपसे बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर वही बात हमें मालूम चल जाए कि इतने लोग खड़े हैं बाहर जी, जी, तो फिर वो हालत जो है वो खराब हो जाती जी। लेकिन सपोर्ट किया जी, हमारे सीनियर्स ने जी, बहुत सपोर्ट किया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और इसी तरह से जी सर, अगर हम आपको आज अगर एक कंपैरिजन दें कि आरजे और राजनीति दोनों में कंपैरिजन दें, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? देखिए दोनों, आरजे का वक्त जी, हमने नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अब उनको मौका मिलना चाहिए, वो लोग बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं जी, तो अब उनका वक्त है, वो लोग बोले जी। अब हम लोग तो जनता की सेवा कर रहे हैं जी, और जो मोहब्बत उन्होंने दे दी जी, वो दे दी जी, वो आपके नाम के साथ जुड़ गई है जी। आज नाम अभी भी कहीं लिया जाता है तो उसके साथ वो वाला टैग, रेडियो का टैग आज भी रहता है जी, जी, मुझे जी, इस बात की बड़ी खुशी है जी, कि आज भी लोग हमको उस नाम से ज्यादा जानते हैं बनिस्बत एज अ पॉलिटिशियन जी, नाम लेने पर वो उनको सीधे रेडियो से कनेक्ट कर लेते हैं जी, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जी। लेकिन मैं जनता के लिए, उनके लिए, उनके जिस तरह से मैं उनकी आज सेवा करने के लिए और उनके साथ कदम से कदम अखिलेश जी के साथ हम लोग चल रहे हैं जी, तो बस अब यही है कि देश को मुस्कुराता हुआ देखना है जी, प्रदेश को हंसता हुआ देखना है, शहर को खिलखिलाता हुआ देखना है, नौकरी देखनी है, लोगों के पास रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, डेवलपमेंट रहे, हेल्थ फैसिलिटीज रहे, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत हमारा प्रदेश नाम रोशन करे जी, ये सारी चीजें होती रहे जी, तो कोई कमी नहीं जी, फिर कोई टेंशन नहीं रहती जी, जब सब खुश हैं तो हम भी खुश हैं जी।
अच्छा सर, आप कई बार समाजवादी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कई बार जो डिबेट्स जो आप करते हैं, डिबेट्स में आप आते जाते हैं, तो कई बार उसकी वजह से आप कई बार चर्चा में रहे हैं। उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी के आईपी सिंह ने एफआईआर दर्ज कर दी थी, तो वो क्या था, मतलब क्यों एफआईआर दर्ज कर दी थी, जिसके चलते फिर बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लेटर भी आपके लिए लिखा था, और तो वो क्या चीज़ था, मतलब कितनी उसमें सच्चाई है, क्या चीज है वो, क्या बात थी? जब डिबेट्स होती हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं। जी जी, ऐसा कुछ है नहीं। जी सिंह साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। जी, और हमारे भाई हैं। जी, और भाई जो है वो भाई के लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। जी, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान। जी अच्छा, और सर एक बार चर्चा में भी आपका ये रहा था, डिबेट में ये भी रहा था कि आपने एक बार एक पाकिस्तान कानून की बात की थी, जो आप चाहते थे कि वो कौन सा कानून था, जो आप चाहते थे कि वो अलग कानून हमारे इंडिया में भी, हमारे भारत में भी आए। देखिए वो हुआ क्या था कि वो किसी, हमने किसी दूसरे देश के कानून की कोई बात नहीं की जी। वो ट्विस्ट कर दिया था मैटर जी। किसी चैनल में जी। वो ट्विस्ट कर दिया था उन्होंने जी। मैंने ये कहा था कि जो बेरहमी से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जिस तरह से गला काट रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जिस तरह से छेड़खानियां हो रही हैं, जिस तरह से उनकी हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह उन पर तेजाब फेंका जा रहा है, जिस तरह उनका बलात्कार किया जा रहा है, तो मामला जो है जब ये लोग पकड़े जाते हैं, कोर्ट में जाता है, वक्त लगता है। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को अगर पकड़िए, सजा उसी वक्त देनी चाहिए जी। ताकि महिलाओं का सम्मान हो सके, महिलाओं की इज्जत, उनको वो सुरक्षित हो सके और खुलेआम सर उठा कर घूम सके। आधी आबादी हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, आधी आबादी। तो मैं चाहता हूँ सर उठाकर वो चलें, और महिलाओं की तो इज्जत इसलिए क्योंकि महिलाएं जो हैं, महिला की वजह से ही हम इस दुनिया में आए जी। हमारी माँ जी, और दूसरा हमारी भारत माँ जी। जी बस, नहीं तो बाकी तो सर, क्योंकि देखिए वहाँ पे तो इतना ज्यादा पर्दे का चलन है पाकिस्तान में कि पूरा कवर अप रहते हैं, तो फिर हम कैसे कि यहाँ हमारे भारत में नहीं है, और आप वो वाले कानून की बात कर नहीं, रहे नहीं, हैं। वो ये कोई बात ही नहीं हुई जी, उस टॉपिक पे। वो अगर वो वाली डिबेट आप देखेंगी तो इस टाइप की मैंने कोई बात ही नहीं की। मैं तो इस टाइप की बात करते ही नहीं जी। जी जी, मैं तो ज्यादातर अपनी बात सिर्फ शेर शायरी में कह देता हूँ, दो लाइन में कह देता हूँ जी जी, क्योंकि ज्यादा लंबी बात करेंगे तो वो ना देखने वाले को पसंद आएगी जी, ना वो इतनी देर बैठ के सुनेगा जी। अच्छा, दो लाइन में अपनी बात आप कर दीजिए जी, ये बेस्ट पॉलिसी है, दो लाइन में जी अपनी बात आप कर दीजिए जी, और वो बात एकदम समझ में आ जाए जी, और सही बात होनी चाहिए जी। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे कि आपकी एक जो डिबेट थी वो शेरो शायरी में भी बड़ी चर्चा में रही थी, आपने शेरो शायरी से ही वो पूरी डिबेट की थी, तो वो शेरो शायरी से डिबेट स्टार्ट करने का क्या मोटिव था, कि मतलब आप एक गज़ल गायक हैं और कि आपको शेरो शायरी में कोई हारा परास्त नहीं कर पाएगा, तो ये सोच के आपने वाली डिबेट उस तरीके से शुरू की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। मुझे याद है किस चैनल की बात कर रही जी, मैं इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे थे जी, हमारे सामने जितेंद्र कुमार जी बैठे हुए थे जी, केंद्रीय मंत्री हैं वो जी, वो बैठे थे, और तो जो एंकर थे जो होस्ट कर रहे थे शो जी, उन्होंने ये कह दिया कि नवेद साहब जो हैं वो बहुत अच्छे शायर भी हैं और अपनी डिबेट्स में शायरी ज्यादा करते हैं जी, जी, और शायरी में अपनी बात कह लेते हैं जी। तो मैंने वो दो लाइन मैंने सुनाई, तो जो दो उधर से बैठे थे जितेंद्र साहब उन्होंने सुना दी जी, फिर मैंने सुनाई, फिर उन्होंने दूसरी सुनाई, फिर मैं उन्होंने अहमद फराज साहब का एक शेर सुना दिया, जब उन्होंने अहमद फराज साहब का एक शेर सुनाया तो मैंने वही गजल का अहमद फराज साहब का दूसरा शेर सुना दिया, फिर उन्होंने मजाज साहब का शेर सुनाया, मैंने मजाज लखनवी का दूसरा शेर सुना दिया जी। तो उनको ये लगा कि यार ये जो है तो एक माहौल बन गया जी। और यहाँ तक के जो एंकर थे उन्होंने भी ये कह दिया कि ऐसी डिबेट बहुत कम होती है, कि ये आज हमारी डिबेट नहीं बल्कि आज एक हसीन महफिल जमी हुई है, तो इस तरह से था। तो देखिए शेर शायरी वो क्योंकि बचपन से सुनते रहे हैं जी, हमारे फादर जब भी कोई बात करते थे तो शेर सुना देते थे जी, वो शेर के जरिए अपनी बात कहते थे जी, तो वो हम शेर आज भी हमें याद है कि जब भी कोई बात होती थी तो वो बता देते जी, तो मैं उसी हिसाब से जहन में शेर रहता है और निकल जाता है जी। अच्छा सर, अब ये है कि जैसे आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज रहेगा इस बार उनका मोटिव? देखिए ऐसा है कि स्ट्रेटजी जो है जी, ये स्ट्रेटजी प्लान करके टीम के पास होनी चाहिए जी, और स्ट्रेटजी को कभी आम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी बैठ करके आपने कहीं आम कर दी जी,
कि हम ये करने जा रहे हैं जी, तो सामने वाला जो है वो बहुत एक्टिव हो जाता है जी। मुंबई में जब ब्लास्ट का ये होटल्स में, जब ताज होटल में जब ब्लास्ट वगैरह हुआ था जी, सबसे बड़ी एक दिक्कत यही थी जी कि मीडिया जो था वो दिखा रहा था कि ये लोग कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं जी, किस जगह से हमला कर रहे हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो फोर्सेज हैं, एनएसजी कमांडोज हैं, यही हैं, ये हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं ये सामने बिल्डिंग पे। तो ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आप ये चीज क्यों दिखा रहे थे जी। आप दिखा रहे थे, वो अंदर बैठ के टीवी पे देख रहे थे जी। तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी कि कौन हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, किस बिल्डिंग पे उतर रहा है, कहाँ पे आ रहा है, होटल के किस दरवाजे से गया, कहाँ तक। मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं कहना नहीं चाहिए, आपका तो चैनल बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सर। और बहुत से चैनल मैंने देखे कि ये एक बचपने वाली बात उन्होंने की जी, ये अपने मुल्क को उन्होंने परेशानी में डाल दिया था जी, कि उनको जो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट को एक्टिव कर दिया ये दिखा करके। तभी बाद में उसके ऊपर वो बैन लगा हुआ, आपको याद होगा, बाद में ये कहा गया था कि ठीक है टीवी जो ये आप लोग कर रहे हैं इसको रोका जाए, प्रसारण रोका जाए जी। तब बाद में जब रोका गया तब ये दिक्कत हुई और तब वो लोग ढेर हो गए जी। और जब तक चैनल दिखा रहा था जी, खेल चल रहा था जी, यही जी। इसीलिए स्ट्रेटजी की बात मैं कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी मैं चैनल पे अभी बताना नहीं चाहता जी, वो जमीन पे उतारेंगे हम लोग और जनता के पास जाएंगे। बाकी जनता जो है लोकतंत्र में, जनता जो सबसे बड़ा सम्मान देने वाली वही है जी, और फैसला जनता ही जी। अच्छा, इस बार 2022 में लगता है कि सपा सरकार अपना जो जो पोजीशन है जो खो चुकी है, जो खो दिया था उन्होंने, तो इस बार 2022 में क्या वो ये पोजीशन वापस ले पाएगी? देखिए, कोई पोजीशन सपा ने नहीं खोई है जी। जिस तरह से हम काम कर रहे थे, हम आज भी जमीन पे लगातार काम कर रहे हैं जी। पोजीशन खोने का मतलब है कि खामोशी से बैठ जाना जी। हम लोग खामोशी से नहीं बैठे जी। कोविड जब पहला वेव आई थी जी 2020 में, उसके बाद भी जब ट्रांसपोर्ट वगैरह रोक दिया गया था, जब मजदूर लोग पैदल आ रहे थे, जब रास्ते में कितने लोगों की जान गई, तो वो समाजवादी ही लोग थे जिनको ये आदेश दिया गया था अखिलेश यादव जी द्वारा जी। कि आप लोगों की जितनी मदद कर सकें, लोगों को घर तक पहुंचाएं, मजदूर जो पैदल आ रहे हैं उनकी देखभाल करें, उनको खाना, तो समाजवादियों ने ही उनको रास्ते में खाना दिया, उनको पानी की व्यवस्था कराई गई, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कराई गई, उनको रास्ते में पहुंचाया गया, उनको घर तक पहुंचाया गया। फिर अभी जो बाढ़ आई थी पिछले साल, तो बाढ़ में क्या हुआ कि लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा था, तो हम लोगों ने नाव पे जा जाके, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सब ने जा जाके घर घर में लोगों को राशन तक बांटे। हम लोग एक्टिव रहे जमीन पे, हम लोग लगातार काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बैठ गए कि अगर हमारी सरकार नहीं है तो हम बैठ जाएं, अगले साल जब चुनाव होंगे 2022 में तो हम 21 में निकलेंगे, ऐसा नहीं है। जनता को हमारे ऊपर भरोसा था, कुछ गलतफहमियां पैदा की गई जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए, कुछ मुद्दे ऐसे ले आए गए जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए। डेवलपमेंट पे बात नहीं हुई, बात किसी और चीज पे हो गई, बात हो गई शमशान पे, बात हो गई कब्रिस्तान पे, बात हो गई कि होली में कहाँ लाइट आती है, ईद में कहाँ लाइट नहीं आती, तो ये सब सारी चीजों ने करके पूरा खेल बिगाड़ दिया जी। तो डेवलपमेंट पे बात नहीं हुई, अगर डेवलपमेंट पे बात होती जी तो हम आते जी। अच्छा, आखिर में सर मैं चाहूंगी कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। देखिए, मैसेज सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत अच्छा चैनल है और हर चीज की शुरुआत होती है। अभी इन्होंने शुरुआत की अपने चैनल की जी, और शुरुआत में वही कहते हैं ना कि जो छोटा होता है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अरे भाई अभी तो हम इतने लाइमलाइट में नहीं हैं जी, और तो वही आगे चलकर बड़ा होता है जी, जी। आपका चैनल बहुत अच्छा है, आपकी टीम बहुत अच्छी है जी। और मैं आज आपके ऑफिस में यहाँ पे स्टूडियो में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। सभी लोग आपके बहुत अच्छे हैं, और ये चैनल चलाना ये एक टीम वर्क होता है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें सबका रोल होता है। एंकर का भी होता है, जो आपकी टीम्स होती है पूरी उसका भी होता है, कैमरामैन का भी होता है, साउंड का भी होता है, पीसीआर का होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ रोल इसमें होता है जी। तो सब मिलकर एक चैनल को चलाते हैं, लेकिन यह है कि आपका चैनल, हमें पूरा यकीन है आपका चैनल जो भी दिखाएगा सच्चाई दिखाएगा, सच का दामन। श्वेता जी, जी आप भी, आप तो खैर हमेशा सच में, मैंने कहा कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप भी और आप अपने जितने भी बॉसेस हैं आप जी, उनको भी आप ये जरूर कहिएगा कि सच का दामन कभी ना छोड़ें जी, कभी नहीं छोड़ेंगी, जनता आपका चैनल कभी नहीं छोड़ेगी जी।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आज के प्राइम टीवी के शो शख्सियत में हमने बात की सपा के स्पोक पर्सन नवेद सिद्दीकी जी से, जिन्होंने अपने सफर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें बताया है। उम्मीद है कि आपको इनकी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।